हेलो बच्चों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट हमने देखा, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और आइडेंटिटीज देखी। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बच जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में डिस्कस करना है इस वीडियो में, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा यूनिट कंप्लीट होगा और बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे उम्मीद करते हैं सॉल्व हो जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जैसे कि नाम है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। हाइट हम लोग मतलब इसमें मैक्सिमम आपको बिल्डिंग्स की हाइट, टावर की हाइट, क्लिफ की हाइट, इसको निकालने के लिए बोलेगा। और डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कोई आदमी खड़ा है उसका बिल्डिंग से डिस्टेंस, इन सबको मेजर करने के लिए बोलेगा। तो ये करना कैसे है, इसमें बेसिकली दो चीज रहती है सिर्फ, एक रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अब हम लोग को देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। एलिवेशन वर्ड जैसे सुने हो गया, मतलब आपके दिमाग में चीज क्लिक करती होगी रिलेटेड टू हाइट, ठीक है। तो एलिवेशन वही है जब कभी अगर हम लोग नीचे खड़े हैं, ऑब्जर्वर जो है नीचे खड़ा है और किसी ऊपर खड़ी हुई चीज को देखता है, तो ये जो एंगल उसकी आईज जो है एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ, वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे खड़े हो, पोल पे आप नजर डाल रहे हो, पोल पे कोई चिड़िया वगैरह बैठी है उस पर आप देख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। वहीं अगर आप जैसे अपने घर के बाहर खड़े हो, घर से ऊपर देख रहे हो छत में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सीइंग द टॉप ऑफ अ टावर, बिल्डिंग, क्लिफ एक्सेट्रा, दिस आर नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। डिप्रेशन वर्ड से जैसे रहता है, कभी भी डिप्रेशन होता है तो इंसान क्या हो जाता है, लो फील करता है। तो वैसे ही जब कभी डिप्रेशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कभी भी कोई इंसान टॉप से बॉटम देखता है, ऊपर खड़े होकर अगर कोई नीचे से जा रही चीज या नीचे खड़ी हुई चीज पर अपनी नजर डालता है, तो उसकी आईज जो है पैरेलल टू द ग्राउंड जो एंगल बनाती है, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ये दोनों लाइंस चूंकि पैरेलल रहती है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये बन ऐसा जाएगा, लेकिन जहां पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको एग्जाम में बोलता है, तो ये डॉटेड लाइन जरूर बनाइएगा, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, मार्क सीकिंग के लिए बहुत अच्छी आदत रहती है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो होगा क्या, इसमें जैसे आप ऊपर खड़े हो, आपकी नीचे बाइक खड़ी है या मोपेड खड़ी है, आप उसको देख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। या आप अपनी छत पे खड़े हो, नीचे कोई जा रहा है या किसी को बुलाना है, आप छत से किसी को बुला रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। या कोई बर्ड ऊपर से घूम रही है, उसकी जो आई साइड नीचे ग्राउंड पे बनेगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इसी के एग्जांपल दिए, सीइंग from the top of a building, lighthouse, etc. This are known as angle of depression. Then the next thing comes is, ये angle of elevation और depression जब आपने समझ लिया, तो इसके बाद जो next आपको देखना है, इसके आएंगे questions. Questions में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसका figure ही main रहता है. इसमें आपको word problems ही देगा. Word problems से अगर आपने figure बना लिया, तो उसके बाद इसके questions में कुछ भी नहीं है. 90% question में इसमें either 10 theta और cot theta we have to use. बाकी के बचे हुए 10 question जो रहते हैं, उसमें हम लोग को sin theta या cosec theta या cos theta या sec theta का यूज होगा। किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आप पतंग उड़ा रहे हैं, अगर पतंग के थ्रेड की लेंथ आपको निकालने के लिए बोलेगा, तब वहां पे आपको sin theta या cos theta यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पतंग उड़ा रहे हैं ग्राउंड से, तो जो उसका थ्रेड रहेगा वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा, और आप उस टाइम किसको कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेनस को कैलकुलेट करेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, उस क्वेश्चन में आपको sin या cos या cosec या sec का हेल्प लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पैरामीटर आपको गिवन है। और जहां पे भी आपको सिर्फ बेस की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 थीटा और cot थीटा को ही लेना पड़ेगा, और कोई उसमें यूज नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक हैं। और दूसरा, इसके जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं, वो एक लाइट हाउस वाले जैसे हो गए क्वेश्चंस, कि लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन से दो शिप्स अप्रोच कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से दो शिप अप्रोच कर रही है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल इसमें रिपीट होता है क्वेश्चन, वो एक ट्री वाला है, कि एक ट्री है वो बीच से ब्रेक होकर गिर जा रहा है, अगर वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और ट्री की जहां से वो डिस्टेंस है मतलब ग्राउंड में उसका वो 3 मीटर्स है, तो ट्री की ओरिजिनल लेंथ निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रैक्टिस करने में दिक्कत जा रही है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप हमको मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अगले चैप्टर्स जो जिसमें आपको डिफिकल्टी जा रही है, आप भले वो सजेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करें। और बोर्ड एग्जाम में यही बोलूंगा फिर से, पॉजिटिव रह के प्रिपरेशन करें। 7 दिन अभी आपके पास बचे हैं, टाइम अच्छा सफिशिएंटली है। अभी तक भी आपकी प्रिपरेशन अगर नहीं हुई है, तो भी घबराने का नहीं है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।